चैप्टर 12 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर वर्कशीट 4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यूजिंग रूलर कंपास एंड प्रोट्रैक्टर इफ रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है हमने ए बी सी डी, इन विच ए बी दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर और सी डी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। एंगल बी और एंगल सी गिवन है, एंगल बी है 70 डिग्री और एंगल सी है 100 डिग्री। तो हमने इस क्वाड्रिलेटर को बनाना है। देखो इसमें एक पॉइंट नोट करो, एंगल बी और एंगल सी दे रखा है और हमें बी सी भी गिवन है, इसलिए हम बी सी से ही बनाएंगे, बी सी ले लेंगे और बी बी पे 70 का एंगल बना देंगे डी के साथ और सी पे बना देंगे 100 का एंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, बी सी लेंगे, हमने ले लिए बी सी, ठीक है 4 सेंटीमीटर बी सी ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, बी पे बना देंगे हम 70 का एंगल, बी पे डी के साथ 70 का एंगल बना देंगे और सी पे बना देंगे हम 100 का एंगल। ठीक है, सी पे हम 100 का एंगल बना देंगे, सी पे हमने 100 का एंगल बना दिया। ठीक है, अब क्या है भाई, देखो ये बी सी है, इधर आएगा ए, ए बी सी डी, यही ऑर्डर होता है ए बी सी डी। अब इधर तो आ नहीं सकता ए, ए सी बी डी ऐसे तो हो नहीं सकता, इधर से ही आएगा ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें अगर ए बी पता है, ए बी हमें पता है, ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो बी पे रखे कंपास ये 5 सेंटीमीटर हम कट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी। ऐसे ही हमें सी डी पता है, सी डी पता है 4.5, यहाँ पे कंपास रख के ऐसे ये 4.5 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आप करो, इन दोनों को मिला दो, ये पॉइंट डी था, तो हमारा तैयार हो गया क्या, ए बी सी डी, ए क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, बिल्कुल ईजी है। तो डी का यूज़ करना है हमने। अब सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने लाइन सेगमेंट ले लिया बी सी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या ले लिया, बी सी 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, बी पे बना देंगे एंगल 70 का। ठीक है, ऐसे कैसे बनाना है भाई, डी से बनाना है, डी की जो ये लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है, ये लाइन इस जो ग्रीन लाइन के ऊपर रखनी है हमने, ये ग्रीन लाइन नहीं दिखनी चाहिए और इसका जो मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है डी का, वो रखना है पॉइंट बी के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमने, इस पॉइंट के ऊपर हमने रखना है। ठीक है, तो ऐसे लेंगे हम और ये हमारा जो एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 का। ठीक है, ऐसे ही 70 का चलो एंगल बना देते हैं ये, ऐसे ही जब ये वाला लेंगे हम। ठीक है, अब सी पे रखेंगे हम, सी पे कितने का एंगल बनाना है हमने, 100 का एंगल बनाना है, सेम वही मेथड से बनाएंगे 100 का। देखो ये 90 का एंगल है और ये इधर आ जाएगा, ये 100 का एंगल आ जाएगा, तो इसको भी हम मिला देंगे, ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री का एंगल। ठीक है, दोनों एंगल हमें पता लग गए, ये बी एंगल था हमारे पास था 70 डिग्री और जो ये सी एंगल हमने बनाया है, ये बनाया है हमने 100 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने लेना है भाई बी, अब इधर आएगा ए, ए बी सी डी, हमने क्या लेना है भाई, ए बी लेना है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी 5 सेंटीमीटर ले लेंगे हम, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए, और कितना लिया है हमने ये आर लाइन सेगमेंट कितना लिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी अब सी, अब हमें पता है सी डी कितना है 4.5, अब 4.5 हम ले लेंगे, 4.5 ये 4.5 ले लिया हमने, 4.5 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, ए और डी को हम मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, ये कितना था हमारे पास, ये था 4.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, आप आसानी से कर सकते हो, अगर आपको डी से एंगल बनाना आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसी है जैसा फर्स्ट पार्ट था। ए क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर एस, इन विच पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर गिवन है 6 सेंटीमीटर, आर एस गिवन है 4 सेंटीमीटर और एंगल क्यू 80 डिग्री है और एंगल आर
100 डिग्री है, तो हमें क्यू आ और आर दे रखा है, तो क्यू और आर हम नीचे ले लेंगे। देखिए क्योंकि हमें क्यू आर भी गिवन है, तो इस पे क्यू आर ले लेंगे हम नीचे। ये क्यू आर हमने ले लिया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, क्यू पे बना देंगे एंगल 80 का, क्यू पे 80 का एंगल बना दो आप, और आर पे बना दो आप 100 का एंगल। आर पे हम 100 का एंगल बना देंगे, एक पे 80 का बना दिया, एक पे 100 का बना दिया, ठीक है। अब ऐसे बनेगा पी क्यू आर एस, यहाँ पे पॉइंट पी आएगा, क्यू आर ये क्या आएगा, यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू या फिर क्यू पी कह लो। तो यहाँ पे रखेंगे हम कंपास और 5 सेंटीमीटर खोल के ऐसे कट लगा देंगे, तो ये आ गया पी क्यू, ठीक है। ऐसी 5 सेंटीमीटर आ गया ये। और फिर हम लेंगे भाई आर एस, आर एस कितना है, आर पे कंपास रख के और एस तक कट कर देंगे कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट पी और क्यू आ गया, इसको हम मिला देंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, ठीक है। तो इसी मेथड से हम करेंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ये ले लिया हमने सबसे पहले क्या लिए भाई, ये क्यू आर ले लिया 6 सेंटीमीटर, क्यू पे बना लिया एंगल डी के साथ 80 डिग्री का, और आर पे बना लिया हमने एंगल कितना, आर पे 100 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। आपको डी से एंगल बनाना आता होगा, सीख लिया होगा आपने, ठीक है। मैंने बना दिया सीधा। अब क्या करेंगे भाई, इसको अब क्यू पे रखेंगे, और हमें क्योंकि पी क्यू आर एस क्यू पे रखेंगे, और ये हमने कट कर दिया ऐसे कंपास के साथ कितना, ये था भाई पी क्यू था 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हमने ऐसे कट लगा दिया, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास पी। ऐसे ही इधर से कितना था, 4 सेंटीमीटर, आर एस था 4 सेंटीमीटर, तो आर पे रख के कंपास 4 सेंटीमीटर का हमने लगा दिया कट। अब पी और हमें क्या मिल गया, पी और एस पॉइंट मिल गया, तो इन दोनों को हमने बस अब क्या करना है, मिला देना है आपस में। ये हमारा क्या तैयार हो गया भाई, ये पी क्यू आर एस हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड का थर्ड पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 5 सेंटीमीटर, और सी डी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। एंगल बी है 85 और एंगल सी है 95। एंगल बी और सी पता है, इसलिए हम बी सी ले लेंगे सबसे पहले। तो रफ बनाएंगे हम, बी सी ले लिया हमने, ये ले लिया हमने बी सी कितना, 5 सेंटीमीटर। अब बी पे हम बना देंगे एंगल, बी पे बना देंगे 85 का एंगल डी के साथ, ये हमने 85 का एंगल बना दिया, और सी पे बनाएंगे हम 95 का एंगल, तो ये 95 का एंगल बना दो, सी पे 95 का एंगल बना दिया हमने। अब क्या करेंगे भाई, ऐसे बनेगा ए बी सी, यहाँ पे आएगा पॉइंट डी। तो ए बी कितना है, ए बी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि बी पे कंपास रख के आप 4 सेंटीमीटर कट कर दोगे, तो ये आ गया पॉइंट ए। ऐसे ही इस पे सी डी कितना है, 4.5, सी से रख के डी तक काट देंगे 4.5, ये हमारे पास आ गया पॉइंट डी, ठीक है। अब ए और डी को मिला देंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही करेंगे इसको। तो हम क्या लेंगे, पहले हमने ले लिया बी सी ले लिया, बी सी पे और क्या बना दिया भाई, बी पे बना दिया हमने एंगल 85 डिग्री का, ठीक है। 85 का कैसे बनेगा, देखो ऐसे लेटी हरी लाइन के ऊपर लेटी ऐसे रखेंगे हम, ये दिखनी नहीं चाहिए। और क्या भाई, अब ये 95 का एंगल कैसे, 85 का एंगल कैसे बनेगा, ये इधर से अगर चलेंगे तो ये आएगा 80 के बाद 5 पॉइंट और आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 85। यानी कि 80 और 90 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, होगा 85 का एंगल। ये आप ज़रा ध्यान से बना देना, 80 के बाद पॉइंट 1 है, तो 81 82 83 84 85, ठीक है। ऐसी ये हमारा 85 का एंगल बन गया। ऐसी हम 95 का एंगल बनाएंगे, इधर ऐसे रखेंगे इसको डी को, ये जो इसकी लाइन के ऊपर रखेंगे, और ये जहाँ पे हमने पॉइंट बनाना है उसको बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे रखेंगे, डी के मिड पॉइंट पे जहाँ पे एंगल बनाना है, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा 95 का एंगल, ठीक है। 95 का एंगल बना लिया इधर हमने। अब क्या करेंगे हम, हमने क्या अभी ए बी पता है हमें, बी पे रखेंगे हम कंपास और कितना कर लेंगे भाई, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आर्क लगा देंगे। ऐसे सी पे रखेंगे हम और आर्क कंपास खोल के कितना लगा देंगे, सी डी था हमारे पास 4.5, तो 4.5, ठीक है। अब क्या करना है, ए और डी पॉइंट आ गया हमारे पास, अब इन दोनों को हम मिला देंगे, हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, सी डी 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल बी और एंगल सी गिवन है। एंगल बी और सी गिवन है तो हम क्या ले लेंगे, बी सी ले लेंगे। बी सी ले लिया हमने नीचे और कितना बी सी लिया हमने 3 सेंटीमीटर। बी पे हम बना देंगे 105 का एंगल, 105 का एंगल बना देंगे, ठीक है। और सी पे बनाएंगे हम 80 डिग्री का एंगल, सी पे हम 80 डिग्री का एंगल बना देंगे, सी पे हमने 80 डिग्री का। अब ए बी लेना है हमने, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, बी पे रख के ए बी ए कंपास रख के कट लगा देंगे तो कितना 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट ए, ए बी सी डी, यहाँ पे डी आएगा। और सी डी कितना है, सी डी है हमारे पास 4.5, फोर यहाँ पे कंपास रखेंगे और 4.5 लगा देंगे और ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ये आ गया पॉइंट डी। अब ए और डी को मिला देंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटर तैयार हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी मेथड से हम करेंगे। तो एक 105 का एंगल हम कंपास से बनाएंगे क्योंकि ये 15 से डिवाइड हो जाता है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि जो भी एंगल 15 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या भाई, वो हम कंपास से बना सकते हैं। तो 105 का हम बनाएंगे और आपको पता है 105 का एंगल किस किस के बीच में बनेगा, 90 और 120 के बीच में 105 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो बी सी ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर, बी पे हमने 90 का एंगल बना लिया क्योंकि 105 का एंगल बनाने के लिए 90 का एंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अब किस किस के बीच में होगा, ये है 120 और ये है 90, ठीक है। 90 और 120 के बीच में, ये 90 है और ये 120 है, इन दोनों के बीच में एंगल हमारा बनेगा, एंगल बना हमारा बनेगा 105 का, ठीक है। तो ये हमने 105 ये हमने एंगल बना दिया, ठीक है। अब सी पे हमने बनाना है एंगल, सी पे हम एंगल बनाएंगे, सी पे बनाएंगे हम, देखो सी पे है 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री का एंगल बना देंगे, ऐसे रखेंगे इसको। जहाँ पे हमने सी पे बनाना है तो सी के ऊपर मिड पॉइंट आना चाहिए डी का, ठीक है। और ये लाइन, हरी लाइन के ऊपर ये जो डी की ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन इस हरी लाइन को पूरा पूरा ढक लेगी, ठीक है, ग्रीन लाइन को पूरा पूरा ढक लेगी। तो 80 का एंगल हम बना लेंगे, ये हमारे पास आ गया 80 का एंगल, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे 80 का एंगल, अब इसको मिला देंगे, ये हमारे पास आ गया 80 का एंगल। अब क्या करना है हमने, अब बिल्कुल इजी हो गया है भाई। ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेंगे हम, ए बी यहाँ पे आएगा, ए ए बी 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर लो इसको, ये 4 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास पॉइंट ए, ये कितना था भाई 4 सेंटीमीटर। अब इस साइड है भाई, अब क्या है डी सी, डी यानी कि सी डी 4.5, अब 4.5 ले लेंगे हम, 4.5 तो इसको 4.5 ले लो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ये पॉइंट क्या है हमारे पास डी। अब ए और डी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, ए बी सी डी। और सी एंगल कितना था हमने कितना बनाया था, सी एंगल हमने बनाया था 80 डिग्री, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, एंगल बी और एंगल सी गिवन है, एंगल सी 80 डिग्री है और एंगल बी 80 डिग्री है और एंगल सी 100 डिग्री है। तो बी सी गिवन है हमें एंगल दोनों, तो हम बी सी ले लेंगे नीचे, ये हमने ले लिया बी सी, बी सी कितना था 4 सेंटीमीटर ले लिया हमने। अब बी पे बना देंगे हम 80 का एंगल और सी पे बना देंगे हम 100 का एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी ले लेंगे, ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, बी पे कंपास रख के ए बी, ठीक है, कट कर देंगे कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट ए, ए बी सी डी, यहाँ पे डी आएगा तो सी डी कितना है, सी डी है 5 सेंटीमीटर, सी पे कंपास रख के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, सी डी आ गया,
ये डी आ गया पॉइंट। अब ए और डी को मिला देंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से अब हम इसको करेंगे। अब क्या था इसमें, अब हमारे पास था पहले हमने बी सी ले लिया और पॉइंट बी पे 80 डिग्री का एंगल बना दिया और पॉइंट सी पे हमने बना दिया 100 डिग्री का एंगल। अब हमने कितना लेना है, अभी ए बी कितना लेना है, ए बी लेना है हमने 5 सेंटीमीटर। तो ए बी हम 5 सेंटीमीटर खोल के कंपास, तो यहाँ पे ऐसे कट लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए, ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब कितना लेंगे भाई, ये कितना था भाई 5 सेंटीमीटर था ए बी, ये सी डी कितना था 5 सेंटीमीटर। अब फिर से 5 सेंटीमीटर लेंगे हम, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया और इस पर ऐसे कट लगा दिया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट डी, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर ही था। अब क्या करेंगे भाई, ए और डी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। ए और डी पॉइंट को हमने मिला दिया तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी, ए बी सी डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे ये। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।